की बात करते हैं। उस ग्रुप के शेयरों में हमने इस साल अच्छी मजबूती देखी और वो उस ग्रुप के तमाम स्टॉक्स को आप देखिए, ट्रेंड, ये टाटा ग्रुप की जुड़ी हुई कंपनी है, फैशन और उनके कह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसमें हमने इस साल एक अच्छा उछाल देखा, करीब 32,000 करोड़ की बढ़ोतरी होते हुए देखी मार्केट कैप में, 1,00,000 के क्लब को इसने भी पार किया इस साल। इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी देखिए टाटा पावर। पावर शेयर में 2023 में हमने देखा शानदार रैली देखने को मिली। टाटा पावर खासतौर पर बीते 3 महीने में आप देखिए 250 से जो तेजी की शुरुआत हुई वो तेजी बढ़ के जो है 350 के आसपास पहुंचे दिवाली के आसपास से। निकुंज सर ने बताया भी था कि ये इस साल का डार्क हॉर्स हो सकता है, इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है और तेजी हमने इस साल पिछले साल ही देख ली बीते 3 महीने में। ये भी 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हुआ। और तीसरी कंपनी जो आशीष सर की पसंदीदा कंपनी है कह सकता हूँ मैं, टाटा कंज्यूमर है, इसमें भी हमने एक अच्छी बढ़ोतरी देखी। तो इस साल आशीष सर शुरुआत आपके साथ अब चलते हैं, टाटा ग्रुप के तीनों शेयर में और टाटा ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में हमने कुछ स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया तो कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, इन तीनों शेयरों पे अब आप बताइए क्या नजरिया है। अब एक टाटा पावर, अगेन आई एम वेरी बुलिश, मैंने अभी इसे टारगेट मेकअप नहीं किया हुआ, बट टाटा पावर को भी आप किसी भी टाइम अगर कुछ फॉल आते हैं मार्केट में तो आप उसमें बाइंग की चेष्टा करें। मेरे मुताबिक टाटा पावर फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड भी किया हुआ है और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का है थोड़ा इसको प्रीमियम भी हमेशा मिलेगा, तो मेरे मुताबिक इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आप इसका अच्छे खासे आपके रिटर्न आएंगे। टाटा कंज्यूमर मेरा ऑल टाइम फेवरेट, आप बिल्कुल ठीक बोला, टाटा कंज्यूमर बहुत ही सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है उसमें और अभी उसका जितना प्रोडक्ट रेंज है और जितने उसके पास स्ट्रेंथ है वो अभी भी मेरे मुताबिक मार्केट कैप में कैप्चर नहीं हुआ हुआ। टाटा कंज्यूमर एक लंबी अवधि तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अभी एक टारगेट 1300 का है जो कि आप 1 साल के नजरिए से कर सकते हैं इसको बाय, पर अगर आप जैसे मैंने बताया कि प्रेफर ये करें कि 3-4-5 साल के लिए छोड़ दें क्योंकि मेरे मुताबिक ये कंटिन्यूस आउट परफॉर्मर रहने वाला है अगले कई सालों तक। ट्रेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ट्रेंट में भी मैं काफी बुलिश हूँ, मेरे मुताबिक इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है कंपनी की और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो इसमें भी आप एक लक्ष्य देख के चले 3400 का जो कि मेरे मुताबिक अगले 1 साल में आना चाहिए, तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड टारगेट बनता है इसमें। बिल्कुल, तो आशीष सर हमने यही किया कि आपने जो जो लक्ष्य दिया है उनको हमने 1 साल के अवधि के हिसाब से हमने अपडेट कर दिया सब जगह। ट्रेंड में खरीदारी करने की सलाह आशीष सर के, 3400 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। टाटा पावर उनको मजबूत लगता है, उनको लगता है कि यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा पावर में अगले 1 साल में 450 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा शेयर जो उनको पसंद आता है टाटा कंज्यूमर, उनको बहुत पसंद आता है, 1300 रुपये तक का लक्ष्य होगा। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि टाटा कंज्यूमर के साइट्स पर जाइए, ट्रेंड के साइट्स पर जाइए और देखिए कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या है, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आशीष सर ने आपको टारगेट ऑलरेडी बता दी है, आप उस पर नज़र बना के चल सकते हैं। अब आस्था आपके पास, तीनों शेयरों की बात की मैंने टाटा ग्रुप की, इन तीनों में से तीनों के तीनों शेयर पसंद आ रहे हैं या कोई एक शेयर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तीनों ही पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले ट्रेंड की मैं बात करूं तो देखिए इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो बहुत सॉलिड है, फुटप्रिंट्स काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लगे हैं और इनका जो जूडियो बिजनेस है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं भी इसमें पॉजिटिव हूँ। नई बाइंग भी की जा सकती है और लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। ट्रेंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे जो टारगेट देना चाहूंगी वो 3300 का होगा, पहला 3185 का है और उसके बाद फिर 3300 का, यानी कि 3200 और फिर 3300। इसमें समय सीमा 1 से 2 महीने भी रह सकती है और थोड़ा और बड़ा रखेंगे तो भी अच्छा है, यानी कि 3 से 4 महीने में और भी बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे पसंद आता है टाटा पावर। टाटा पावर की बात करें तो देखिए बिल्कुल पावर क्षेत्र की ये कंपनी है, इनकी इनपुट कॉस्ट जो थी वो काफी करेक्ट हुई जिसका कि इनको डायरेक्ट फायदा फाइनेंशियल्स में देखने को मिला और उसी वजह से टाटा पावर यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कंपनी में कंट्री में डिमांड भी पावर की बहुत है जिसका भी फायदा होगा और ये पॉलीसिलिकॉन प्राइसेस और थर्मल जो कॉस्ट कट हुई है मुझे लगता है आगे जाते हुए मार्जिन्स में भी मदद करेंगी कंपनी के, जब अच्छे फाइनेंशियल्स वो पोस्ट करने लगेगी। अभी भी अच्छे ही हैं, आगे और बढ़िया आएंगे, सो अच्छा लगता है। 380 का मैं इनिशियल टारगेट दूंगी, उसके बाद के टारगेट्स भी हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली 380 के टारगेट के लिए टाटा पावर को
होल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ी गिरावट आए तो बाइंग भी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर की बात करें, देखिए टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा है क्योंकि इनके जो ब्रांड्स है जैसे टाटा संपन्न जो हो गया और अब तो ये रेडी टू ईट में भी आ गए हैं, तो वहां से भी इनको एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो टाटा कंज्यूमर भी मुझे पसंद आता है। 1300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मैं नई खरीदारी करने की भी सलाह दूंगी और लिया हुआ है तो बने भी रहा जा सकता है। टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट और टाटा पावर तीनों शेयर आस्था को पसंद आ रहे हैं और तीनों में उन्होंने, आशीष सर ने तो बड़े लक्ष्य दिए हैं और 1 साल की बात की है, लेकिन आस्था ने जो है छोटे लक्ष्य दिए हैं और उन्होंने जो है दो दो महीने के हिसाब से तमाम टारगेट को अचीव होने की बात की। तो दोनों तरह के जो निवेशक है, जो कई निवेशक ऐसे भी होते हैं जो खरीदते हैं शेयर 1 साल तक होल्ड करते हैं, कुछ निवेशक चाहते हैं कि 2-3 महीने कुछ कमाई भी हो जाए फिर आगे बढ़े। हालांकि आस्था, जिस तरीके से आपने 2-2 महीने के टारगेट दिए हैं, आपके ऊपर मैं एक जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, जब भी आपके ये टारगेट अचीव हो जाए ना, आप पक्का 18 स्वदेश पर आके जरूर हमें बताइए किसी भी शो में कि ये टारगेट आपने बताए थे और मैं इसको अब रिवाइज करके ये टारगेट दे रहा हूँ, ताकि जिन दर्शकों ने खरीदारी करी है या करेंगे आपके कहने पे, उनको पता चल जाए कि हाँ भाई आस्था का एक शेयर बताया था उन्होंने, लक्ष्य हासिल किया, अब नया लक्ष्य ये होगा।